आपको मेरी वीडियो ऑडियो ठीक आ रही है? आवाज सही आ रहा है? ठीक हाँ जी, आ रही है। है। हम डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, शौक। शौक की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज शौक, शौक क्या होता है। शौक में भी डिफाइंड एज अ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन, थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन ऑफ लो ब्लड परफ्यूजन, लो ब्लड परफ्यूजन। यानी एक खतरनाक किस्म की मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेनली क्या होता है, लो ब्लड परफ्यूजन। परफ्यूजन कहते हैं जैसे हम खेत को पानी से सैराब करते हैं, इरिगेट करते हैं, तो हमारे टिश्यूज और सेल्स को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है जिससे वो अपनी कीमती चीजें लेते हैं, उसके लिए लक्स परफ्यूजन यूज किया जाता है। लो ब्लड परफ्यूजन यानी बॉडी के टिश्यूज और सेल्स, बिलखसूस वाइटल ऑर्गन्स, और वाइटल ऑर्गन्स में भी बिलखसूस ब्रेन के टिश्यूज और सेल्स और न्यूरॉन्स को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, लो ब्लड परफ्यूजन होती है। एक्चुअली लो ब्लड परफ्यूजन की वजह से नर्वस सिस्टम को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, नतीजा ये निकलेगा कि वहां पर हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। लो ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी, रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी। जब सेल को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और सेल अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर रहा होता, आपने पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन एनर्जी वगैरह, तो सेल के अंदर क्या आ जाती है, इंजरी आ जाती है। इसको कहते हैं सेलुलर इंजरी। तो सेल अपने फंक्शंस और स्ट्रक्चर को बरकरार नहीं रख पाता प्रॉपरली, अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाता और वो इंजरी में चला जाता है, सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी हो किस वजह से रही है, लो ब्लड परफ्यूजन की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से सेलुलर इंजरी एंड इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन। नतीजतन क्या होगा कि उस टिश्यू का जो फंक्शन है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन, इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन। शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन ऑफ लो ब्लड परफ्यूजन रिजल्टिंग इन सेलुलर इंजरी एंड इनएडिक्वेट टिश्यू फंक्शन। और टिश्यू का फंक्शन मुतासर होता है और टिश्यूज इंजरी में चले जाते हैं। इसके बाद एक अहम चीज मैंने आपको लिखवाई थी कि शॉक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद, अगर आपको याद हो, शॉक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाइपोटेंशन। शॉक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाइपोटेंशन। यानी शॉक में हमेशा ब्लड प्रेशर लो होगा, कभी भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। चाहे वो पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर का ही क्यों ना हो, उसको ब्रेन हैमरेज हो गई, उसकी आर्टरी बस्ट कर गई या जो भी हुआ, नतीजतन वो शॉक में उस वक्त जाएगा। ये बेटा क्लियर कर लें कि जब उसके सिर्फ एक सेकंड, मैं एक कॉल सुन लूँ। जी सलाम वालेकुम। जी जी शाह सर, ठीक ठाक करिए सर, ठीक ठाक आप ठीक हैं, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शॉक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाइपोटेंशन, यानी शॉक में हमेशा ब्लड प्रेशर क्या होगा, लो होगा। बट हाइपोटेंशन इज नॉट एसोसिएटेड विद शॉक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि
अगर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर कम हो तो वो शॉक में चला जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखें कि हमारे पास कई मरीज आते हैं जिनका बीपी बहुत लो होता है, तो जरूरी नहीं कि वो शॉक में चले जाएं। ये सेंटेंस आपने समझ रहे हैं कि शॉक इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन, बट लो ब्लड प्रेशर इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद शॉक। जरूरी नहीं कि लो ब्लड प्रेशर वाला बंदा भी शॉक में हो, शॉक वाला बंदा तो कन्फर्म है कि वो लो ब्लड प्रेशर में होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। जहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, ये वैसे डेफिनेशन हो गई थी। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई? यस सर, ठीक है। यस शॉक बजात खुद कोई मर्ज नहीं, शॉक बजात खुद कोई मर्ज नहीं, बल्कि एक वसी मीनिंग रखने वाली कैफियत है। इसका कंसेप्ट बहुत कदीमाना है, इसका कंसेप्ट बहुत कदीमाना है, और इसकी डेफिनेशंस भी मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ की गई। ये जिस्म की वो हालत है कि जिसमें अचानक ब्लड सर्कुलेशन में कमी के बायस जिस्म की फंक्शनल कैपेबिलिटी आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। यानी जब नर्वस सिस्टम आपका काम करना छोड़ेगा तो पूरी बॉडी की जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इसके बाद इसकी है इटियोलॉजी ऑफ शॉक या काजेज ऑफ शॉक। कॉजेज ऑफ शॉक या इटियोलॉजी ऑफ शॉक, काजेज ऑफ शॉक या इटियोलॉजी जिसे हम कहते हैं इटियोलॉजी ऑफ शॉक। तो इसमें भी आपने याद रखना है कि तीन मेन फैक्टर्स हैं, तीन मेन काजेज हैं। आपको याद होगा सेकेंड ईयर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर भी तीन थे, कार्डिक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। और उडीमा में भी हमने तीन फैक्टर पढ़े थे, तो याद होगा। और अब शॉक में भी तीन ही फैक्टर हैं, तीन ही काजेज हैं। पहला जो फैक्टर है या कॉज है वो है रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। जब भी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम में कमी आएगी, मसलन आमतौर पर एक सेहतमंद बालिग शख्स में 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, अगर उसके अंदर से हैमरेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए और ज्यादा खून बह जाए, तो आपने देखा होगा कि लोग बेहोश हो जाते हैं एक्सीडेंट में, सर्जरीज में, किसी और गायनेकोलॉजिकल ब्लीडिंग्स में। तो अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। और ये पहला फैक्टर है जिसको कहते हैं रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। इसका पैथोलॉजिकल, इस फैक्टर को पैथोलॉजिकली या टेक्निकली कहते हैं हाइपो हाइपो वॉल्यूमिक शॉक, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक, यानी वॉल्यूम कम होने की वजह से मरीज शॉक में चला जाता है। हाइपो वॉल्यूमिक शॉक के वॉल्यूम कम होने की वजह से मरीज शॉक में चला जाएगा, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक। सॉरी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग में अलाउ नहीं की, आपने भी याद नहीं किया है ना, हाइपो वॉल्यूमिक, अच्छा मैं खुद भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चले ठीक है, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक, हाइपो वॉल्यूमिक शॉक यानी ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, इसको टेक्निकली कहते हैं हाइपो वॉल्यूमिक शॉक। अब ये मुख्तलिफ सूरतों में हाइपो वॉल्यूमिक शॉक होगा। शॉक की बुनियादी वजह ब्लड वॉल्यूम में कमी, जिसका नतीजे में मुख्तलिफ ऑर्गन्स को अपने फंक्शन सर अंजाम देने के लिए ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं होती और बॉडी टिश्यूज
बिलखसूस न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएंगे, नतीजा वही निकलेगा हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हाइपोक्सिया। ये वॉल्यूम कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और नतीजतन ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी। ब्लड ब्लड प्रेशर वॉल्यूम तीनों चीज़ें कम हो जाएंगी। अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो साथ ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई न्यूरॉन्स को कम हो जाएगी। अब ऐसा कब कब मुमकिन है? आमतौर पर ऐसा आपको आरटीए में मिलता है, आरटीए। शाबाश, किसकी अब्रीवेशन है? अब तो ये ज्यादा इस्तेमाल होती है मेडिकल में, आरटीए। आपके पास एक मरीज आएगा ना बेटा, उसके ऊपर लिखा होगा आरटीए। एनीबॉडी? आरटीए। एमन, मिसबा, रोमा, सीमाब, वानिया, यास्मीन, युसरा, नहीं आता? नो सर, भी नहीं याद नहीं है। क्यों नहीं आता? अक्सर मैंने, लेकिन जब ये चीजें बेटा इनको याद रखे ना, ताकि मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी मेडिकल साइंस एलोपैथिक साइंस से आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन आती है तो आप उसको हर चीज समझ आनी चाहिए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड, अब लिख लें और फिर याद कर लें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए। आरटीए जब भी किसी प्रिस्क्रिप्शन पर लफ्ज आरटीए लिखा हुआ होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसके अलावा सर्जरीज, बाजू का हमें समझ नहीं आती, सर्जन सर्जरी कर रहा होता है तो इतना खून बह जाता है कि मरीज शॉक में चला जाता है, पहले तो बेहोश होता है फिर शॉक में चला जाता है फिर डेथ भी हो जाती है। तो दूसरा मेजर लॉस ब्लड का सर्जरीज के दरमियान होता है। तीसरा ट्रामा, ट्रामा चोटें वगैरह, कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन, गैनाकोलॉजिकल हेमरेजेस जैसे पोस्टपार्टम हेमरेजेस होती हैं, सिजेरियन सेक्शंस के दौरान हेमरेज होती है, डिलीवरी के दौरान हेमरेज होती है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया होते हैं। तो किसी भी सूरत में अगर बॉडी से ब्लड का लॉस होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो ऐसे शॉक को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? ब्लड लॉस, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। और शॉक का नाम, ये शॉक का नाम आपने लाजमी याद रखना है, पैथोलॉजी में ये आपको बहुत लफ्ज मिलेगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जब भी आप ये लफ्ज पढ़ें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, इसका मतलब है कि मरीज वॉल्यूम कम होने की वजह से। अच्छा, ये ब्लड के अलावा डायरिया, इसमें कॉलरा में जैसे आजकल सनस्ट्रोक है, अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और डायरिया शुरू हो जाए तो पानी की कमी होगी, अल्टीमेटली पानी भी तो प्लाज्मा को मुतासर करेगा ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो जो उसमें भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, उसमें भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाए बॉडी से, डायरिया डिसेंट्री की सूरत में या वोमिटिंग की सूरत में। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं और बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो सकता है, नतीजतन ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। आमतौर पर बर्न में भी ऐसा होता है, बर्न में जब कोई मरीज जल जाता है तो उसका प्लाज्मा कम हो जाता है। तो इन तमाम कैफियात में डिहाइड्रेशन, अभी जैसे मैंने गर्मियों में बताया तो डिहाइड्रेशन भी इसकी एक वजह है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। या कुछ ऐसी डिजीज होती हैं कि जिनमें मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है, मसलन हेमोराइड्स, पाइल्स, कोई ट्यूमर, कोई स्टामिक का कैंसर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, अल्सर हो गया, यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, इन्फेक्शन हो गई, ये तमाम वजूहात हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की। इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है तो मैं अगले फैक्टर पे जाऊँ। यस सर, ठीक हो गया जी, वेरी गुड। अब
ये तो एक फैक्टर था। एक बंदे का ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होता, जितना ब्लड उसकी बॉडी में है उतना ही मौजूद है, उसमें 1 ml भी कम नहीं हुआ, 6 लीटर है, 7 लीटर है, सारे का सारा ब्लड बॉडी में मौजूद है, 1 लीटर भी कम, 1 ml भी कम नहीं हुआ, फिर भी मरीज शॉक में चला गया। तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर जैसे आपने सुना होगा, कोई किसी बंदे को बुरी खबर सुनने से बेहोश हो जाता है, कोई टेंशन लेने से, कोई गुस्सा आने से, कोई डिप्रेशन लेने से, एंजाइटी में जाने से, अक्सर लोग वो जब कोई अचानक बुरी खबर मिलती है तो वो शॉक में चले जाते हैं। तो उसमें वो क्यों शॉक में गए? उसमें तो उनका 1 ml ब्लड भी जाया नहीं हुआ, लेकिन मरीज शॉक में चला गया। थोड़ा सा समझना है बात को प्लीज। मरीज जब शॉक में जाएगा तो अब आपके जहन में आएगा कि शॉक में गया तो ब्लड प्रेशर तो लो हुआ होगा। अब ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि ब्लड भी जाया नहीं हुआ, वॉल्यूम भी कम नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट भी शॉक में चला गया? तो पेशेंट शॉक में गया तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो आपके ख्याल में कौन सा फैक्टर हो सकता है? शाबाश, एक तो था ना कि वॉल्यूम कम हो गया, वो तो नजर आ रहा था। एक मरीज को बुरी खबर मिली, कोई टेंशन वाली खबर मिली, या उसने कोई स्ट्रेस ले लिया, जैसे किसी की कोई इंसल्ट होती है तो वो फिर बेहोश हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा। तो ऐसी सूरत में बीपी लो हो जाएगा, उसका बीपी लो हो जाएगा जी, ब्लड प्रेशर सर डिक्रीज कर जाएगा। नहीं, ब्लड प्रेशर तो बेटा गिरेगा, लेकिन क्यों गिरेगा? अब दूसरा फैक्टर है इंक्रीज्ड वैस्कुलर बेड, इंक्रीज्ड। पहले में तो ब्लड लॉस कम हुआ था ना, अगर आपको सेकंड ईयर वाला लेक्चर याद है ना, ब्लड प्रेशर वाला, तो उसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा है ना, ब्लड वॉल्यूम कम होना, वो कार्डिक आउटपुट है। दूसरा आपने पढ़ा था पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आपको याद है ना, आपने पढ़ी थी पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये वो वाला फैक्टर है इंक्रीज्ड वैस्कुलर बेड। वेसल्स, मसलन आम हालात में ऐसी वेसल थी, कोई इसको आसान मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदा बैठा हुआ था, अचानक उसको बहुत ही कोई मायूस कौन कोई बुरी खबर मिली, बैठे बैठे वो बेहोश हो गया। अब आप मेडिकली उसको कैसे, ये चीजें जितनी आपको समझ आएंगी, आपको रेपरेटरी मटेरियलिटी का बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि किस शॉक में मैंने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है। मैं इसलिए आप पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप पहले डायग्नोज करें, पहले डायग्नोज, तो कि नहीं कि इसमें ये और उसमें वो चल गया, नहीं, पहले डायग्नोज करें प्रॉपर वेदर इट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, चाइना, चाइना आप देंगे, बाकी आप ब्लड पूरी अगर HB लेवल कम है तो आप लेसिथिनियम देंगे, बाकी यानी चाइना बेहतरीन मेडिसिन है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए। अब इस मरीज में तो ब्लड लॉस नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है? इसमें उसके ब्रेन पर, फर्ज करें उसने कोई बुरी खबर सुनी, अब ब्रेन मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, आपने बहुत से पढ़े हैं, एसिटाइलकोलीन है, एपिनेफ्रीन है, नॉरएपिनेफ्रीन है, डोपामीन है, कुछ 6-7 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जिनमें से एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन वगैरह ब्लड वेसल्स पर एक्ट करके इनको डायलेट कर देंगे। ये खून की नाली का बेड बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड वेस्कुलर बेड, इंक्रीज्ड वेस्कुलर बेड। अब पहले वही ब्लड इसमें फ्लो कर रहा था तो अच्छा खासा प्रेशर था, मसलन 130/80, वही ब्लड। अब ब्लड की चूंकि क्वांटिटी तो वही है ना, तो ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो खुला खुला फ्लो करेगा ना, क्योंकि तो वेसल्स चौड़ी हो गई, वेसल्स का बेड फैल गया, तो हो सकता है वो 70/40 पे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। ब्लड जाया नहीं हुआ, एक ड्रॉप भी जाया नहीं हुआ, पहले भी ब्लड उतना ही था, वो भी ब्लड उतना, सिर्फ वेसल्स के बेड के डायलेट होने से, इसका बेड देखें, इसका बेड देखें, इसको कहते हैं इंक्रीज्ड वेस्कुलर बेड, इंक्रीज्ड वेस्कुलर बेड। और इसका टेक्निकल नाम है, जैसे उसका नाम था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, पहले शॉक का नाम क्या था? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। इसका नाम क्या होगा?
शाबाश। इंक्रीज्ड वेस्कुलर बेड, इसको कहते हैं वेसो डायलेटर शॉक। वेसो, वेसो VASO, डायलेटर, डायलेटर ये डायलेट करना, फैल जाना, ये डायलेशन हो गया ना इसकी। वेसो डायलेटर शॉक, वेसो डायलेटर शॉक। कुछ समझ आ रही है डॉक्टर yes, समझ आई कुछ बेटा? बात yes, कुछ बात क्लियर हुई? यस yes. यस। अब देखे ना, यही तो आपके पास ये कमाल होना चाहिए कि वो बंदा एक्सीडेंट में गया वो भी बेहोश हो, ये बैठे बैठे कोई बात सुन के बेहोश है ये भी बेहोश है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो भी शायद 70-40 आए, इसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो भी 70-40 है। तो आपने आखिर, आपके नाम के साथ डॉक्टर आ रहा है ना, 4 साल आपने पढ़ा है, यू शुड क्लियरली नो दैट वहां पर क्या हुआ हाइपोवॉल्यूम, यहाँ पर क्या हुआ वैसोडाइलेशन। सो दिस इज कॉल्ड वैसोडाइलेशन। यहाँ हम वो मेडिसिन देंगे अगर हमें काज का पता चल जाए, जैसे हो सकता है इग्निशिया देने से वेसल्स का बेड रीसेट हो जाए, हो सकता है आपकी नेट्रम्योर देने से जो है ना वो वेसल्स का बेड सेट हो जाए, हो सकता है वो पल्सटीला की पेशेंट हो, लेकिन माइंड की मेडिसिन देंगे तो वहां से। मैं एक एक बात आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आप पहले मरीज को चाइना देंगे ना तो शायद चाइना सपोर्ट कर जाए क्योंकि उसका वॉल्यूम कम था और मरीज की आंख खुल जाए। इसमें हो सकता है आपने उसको इग्निशिया दी, इग्निशिया ने माइंड लिम्बिक सिस्टम सेंसोरियम को रीसेट करके हाइपोथैलेमस जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था, जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसल्स को डायलेट कर रहे थे उनको वहां से ब्लॉक कर दिया तो दोबारा वेसल्स का बेड नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप ये भी बता सकती हैं कि मेरी मेडिसिन ने कैसे इसको शॉक में से निकाला है, आप एक्सप्लेन करने की पोजीशन में आ जाएंगी अगर आपको पैथोलॉजी आती होगी कि चूंकि मेरा पेशेंट पहले इस पोजीशन में था, ठीक है, उसने टेंशन ली, डिप्रेशन ली, बैड न्यूज, जैसे जलसीमियम में बैड न्यूज है तो उसके वेसल्स डायलेट हो गई, वो इस पोजीशन पे चला गया। अब मैंने मेडिसिन दी तो उसने थ्रू लिम्बिक सिस्टम नर्वस सिस्टम दोबारा वेसल्स के बेड को रीसेट कर दिया। जो ही वेसल्स का बेड रीसेट होगा ब्लड प्रेशर रीसेट हो जाएगा, जो ही ब्लड प्रेशर रीसेट हो जाएगा पेशेंट शॉक से निकल आएगा। बट यू शुड क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई इसमें रट्टा या तुक्का लगाने की जरूरत नहीं ना? नहीं सर। अब इसमें उसने लिखा है कि क्या हो सकते हैं एंगर, फियर। हाँ, फियर भी तो होता है ना, फियर खौफ। देखें, अचानक बाज लोगों का लिफ्ट में दिल कम जो है ना वो दिल छोड़ जाता है, पास अंधेरे में घबरा जाते हैं, कोई बाज किसी वक्ती तौर पर किसी ऐसे खौफ में आ जाते हैं, मसलन रात को आप कहीं खसूस फीमेल कहीं जा रही है उसकी गाड़ी पंचर खराब हो गई तो वो तो खौफ में आ जाएगी कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं मैं कैसे घर पहुँचूंगी। तो हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से वो शॉक में चली जाए। अब फियर एंड फ्राइट की बहुत सारी मेडिसिन है। एकोनाइट तो मौत के खौफ में है ना, अगर आप याद रखना चाहती हैं तो सबसे बड़ी जो फियर एंड फ्राइड की मेडिसिन है वो ओपियम है, हर किस्म के खौफ ओपियम। जहां पर भी बहुत ज्यादा फियर एंड फ्राइड की वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं बड़ा हैरान हुआ इसको पढ़ के। अगर एक खातून प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे के अंदर कोई डिसबिलिटी आ गई है, माजूरपन, अगर आपको कन्फर्म हो गया कि ये माँ प्रेगनेंसी के दौरान कभी खौफ से गुजरी है, यानी माँ ने अपनी हिस्ट्री बता दी कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे साथ कोई इशू हुआ था तो मुझे सख्त खौफ महसूस हुआ, खतरे में मैं चली गई, उसके बाद अगर उसके बच्चे में अबनॉर्मेलिटी आई है तो रेपरेटरी कहती है कि आप उसको ओपियम देंगे क्योंकि बच्चे की डिसबिलिटी पर फियर एंड फ्राइड के असरात हैं। एनी हो, तो फियर की वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है,
एंजाइटी की वजह से जा सकता है, डिप्रेशन की वजह से जा सकता है। ये तमाम ऐसी सूरतों में नर्वस सिस्टम से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो बॉडी की तमाम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। तमाम वेसल्स जब वैसो डायलेशन में जाएंगी तो ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। लिंक करना है, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई फॉल कर जाएगी, हाइपोक्सिया में जाएंगे, और जब नर्वस सिस्टम हाइपोक्सिया में जाएगा तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। नतीजतन ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, बॉडी टिश्यूज को ब्लड की कमी वाकई होती है, अल्टीमेटली हाइपोक्सिया होगा और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। दो हो गए, दो काज बेटा क्लियर हो गए। एक में ब्लड के वॉल्यूम को हमने काम किया, हाइपोवॉल्यूम, एक में हमने वेसल्स को डायलेट किया, वैसोडायलेटर शॉक। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। तीसरा मरीज भी आपके पास आ गया जो बेहोश है, न उसका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई हेमरेज नहीं हुई, कोई 1 ml ब्लड लॉस नहीं हुआ, ना उसके पीछे कोई एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फ्राइट, एंगर कुछ भी नहीं आ रहा। मरीज को बैठे बैठे वो कहते हैं जी इसको लेफ्ट साइड पे पेन हुआ, पेन होने के बाद ये बेहोश हो गया, ये भी शॉक में है, आपने ब्लड प्रेशर चेक किया वो बिल्कुल लो है। पिछले दिनों मेरे इलाके में एक नौजवान बंदे की डेथ हुई है, तो मुझे बता रहे थे कि उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सफेगमा मैनोमीटर में आ ही नहीं रहा था, बिल्कुल दो जगहों पर चेक कराया तो वो सफेगमा मैनोमीटर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई, जा रहा है वो सीवियर इरिवर्सिबल शॉक में चला गया। तो तीसरा पेशेंट भी शॉक में है, इसमें क्या हो सकता है? शाबाश, ये तो मैंने आपको आसान करके बता दिया ना, इसको लेफ्ट साइड पे पेन है और बेहोश हो गया जी, ब्लीडिंग नहीं हुई सर, उसकी पंपिंग रुक जाएगी ना जी, हार्ट उसका स्टॉप। शाबाश, हार्ट वेरी, बिल्कुल ठीक है, हार्ट उसका स्टॉप कर जाएगा, बिल्कुल। इसको कहते हैं तीसरा जो काज था, तीसरा अक्यूट, क्योंकि क्रॉनिक में तो वो ऐसा ऐसा जाएगा ना, जैसे एक बंदा होता है कि वो स्लो उसका हार्ट काम करना छोड़ रहा है, एक जैसे आप आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है सडन हार्ट अटैक और सडन डेथ, इसको कहते हैं अक्यूट हार्ट फेलियर, अक्यूट हार्ट फेलियर के यकदम दिल का काम छोड़ देना। अब इसमें न तो ब्लड लॉस हुआ, न वेसल्स का बेड डायलेट हुआ, सिर्फ उसको पीछे जो पंपिंग एक्शन था, ये ब्लड वेसल है, ये इसके अंदर सर्कुलेशन आ रही थी, फर्ज करें समझाने के लिए, ये न्यूरॉन्स है जिसको ये सर्कुलेशन जा रही थी। अब एक तो ये है कि इसमें से ब्लड निकल जाए हाइपोवॉल्यूमिक, एक ये है कि वेसल्स का बेड बढ़ जाए वैसोडायलेटर, ये दोनों चीजें नहीं है, सिर्फ इसके पीछे जो पंपिंग पावर थी हार्ट, जो पंपिंग पावर थी उसने काम करना छोड़ दिया। जो ही वो काम करना छोड़ेगा तो इसके अंदर ब्लड रुक जाएगा, ये ब्लड रुक जाएगा तो इस न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, तो मरीज शॉक में चला जाएगा। इसको पैथोलॉजी में या टेक्निकली क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। जैसे पहला आपने लिखा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा आपने लिखा वैसोडायलेटर शॉक, तीसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट का यकदम बंद हो जाना, फेलियर में चला जाना, अक्यूट हार्ट फेलियर। पहले में रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, इन अदर वर्ड्स हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरे में इंक्रीज इन द ब्लड वेसल्स बेड, इन अदर वर्ड्स वैसोडायलेटर शॉक, तीसरे में अक्यूट हार्ट फेलियर, इन अदर वर्ड्स कार्डियोजेनिक शॉक।
ऐसा अमूमन हार्ट के अचानक फेल होने के बायस होता है, जिसके बायस हार्ट की पंपिंग फोर्स कम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बिलखसूस बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स को मतलूबा मिकदार में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। ऐसा आम तौर पर किन किन सूरतों में होता है? अक्यूट एमआई। अब एमआई का तो आपको पता है, एमआई का तो पता है ना? यस सर, मायोकार्डियल इंफेक्शन। शाबाश, अक्यूट एमआई में ऐसा होगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको थ्रोम्बोसिस पढ़ाया, तो बाज़ोकात कार्डियक एम्बोलिज्म मैंने आपको पढ़ाया था, एम्बोलाई, कार्डियक एम्बोलिज्म। शाबाश, ये क्या होता है? कार्डियक एम्बोलिज्म पढ़ा था ना, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। शाबाश, थ्रोम्बोसिस किसी भी वेसल्स के अंदर क्लॉट का बनना। सर कहीं और से थ्रोम्बस? हाँ, जी शाबाश, ये आर्टरी है तो इसके अंदर अगर क्लॉट बन जाए इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अगर यही क्लॉट यहाँ से डिटैच होकर कहीं और आ जाए तो उसको कहते हैं एम्बोलिज्म। तो अगर ये क्लॉट यहाँ से डिटैच होकर हार्ट की वेसल्स में आ जाए तो अब वो तो बना तो कहीं और था, मतलब बेचारा बिल्कुल ठीक ठाक फिर रहा था। अक्सर डेथ इसलिए भी होती है, बड़े इन चीजों को समझ लें। अब हो सकता है उसकी फीमर में क्लॉट पड़ा हो, इधर टांग की, तो टांग की आर्टरी में तो पड़ा था, वो वहां से डिटैच हुआ और आज आते 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 कॉर्नरी आर्टरी में फंस गया। इतना बड़ा क्लॉट था कि उसने सर्कुलेशन को रोक दिया, तो मरीज का हार्ट फेलियर में चला जाएगा। हालांकि चूंकि वो कहीं और से शिफ्ट होकर आ रहा है तो मरीज को पहले इलामत भी नहीं होगी। अक्सर हम पूछते हैं जब हम दुआ करने जाते हैं कि जी पहले कोई तकलीफ थी? नहीं जी, कभी कुछ भी नहीं था, कोई ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, कभी कोई मरीज को प्रॉब्लम भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें एज ए डॉक्टर आपको जहन में रखनी चाहिए कि एमरजेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है। अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक एम्बोलिज्म, तीसरा है रप्चर ऑफ हार्ट। हार्ट को ही आप रप्चर कर दें, फॉर एग्जाम्पल ठीक ठाक बंदे को अब यहाँ पर चाकू या छुरी, ये हार्ट में आप सीधा चाकू या छुरी लगाएंगे तो हार्ट रप्चर हो जाएगा, मरीज विद इन नो टाइम शॉक में चला जाएगा पहले, डेथ से पहले। तो इसको कहते हैं रप्चर ऑफ हार्ट, गोली लगी, कोई ट्रामा हुआ, किसी ऐसी एक्सीडेंट में डायरेक्ट हार्ट डैमेज हो गया, तो इस सूरत में भी मरीज फौरी तौर पर कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। अब हमने तीन मेन फैक्टर पढ़ लिए, ब्लड वॉल्यूम का कम होना, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, ब्लड वेसल्स का डायलेट कर जाना, वैजोडायलेटर शॉक, हार्ट का बंद हो जाना, फेलियर में चला जाना, कार्डियोजेनिक शॉक। ये तीन क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, यस सर। पैथोलॉजी समझाने का मकसद ये है, तीनों की रेमेडीज अलग अलग जाएंगी। अच्छा, मैं इसलिए तो कहता हूँ कि जिस बंदे को फिजियोलॉजी पैथोलॉजी नहीं आती वो अपने आप को डॉक्टर कहलवा ही नहीं सकता ना, डॉक्टर कहलवा ही नहीं सकता। मसलन तीनों की इलामत एक आएंगी, क्योंकि शॉक में जो चला जाएगा, तीनों में ब्लड प्रेशर लो होगा, तीनों में मरीज का चेहरा पीला हो जाएगा, तीनों में उसकी पल्स कमजोर। लेकिन आपको तो पीछे पैथोफिजियोलॉजी का पता होना जरूरी है, वो वॉल्यूम की वजह से गया है, मेडिसिन और हैं, ये वैसो डायलेशन की वजह से गया है, माइंड की मेडिसिन आप देंगे, माइंड की देंगे, इसमें हार्ट को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन देंगे, इसमें आप उसको जब तक हार्ट की मेडिसिन नहीं देंगे, जैसे क्रेटिकस है, जैसे और हमारे नाजा है, डिजिटेलस है, जो भी बनती है उसकी, आपने हार्ट को सपोर्ट देनी है। जब हार्ट सपोर्ट में आएगा, हार्ट अपनी पंपिंग पावर सही करेगा तो पेशेंट शॉक से निकलेगा। इसमें चाइना देने से तो इतना फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि ब्लड तो उसका पूरा है। अब आप ये कहें जी कि फलां शख्स शॉक में गया था तो फलां डॉक्टर ने चाइना दी थी, उसने मुझे भी बताया था कि आपने चाइना देना तो आप फेल हो जाएंगे। तो
बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस किसी को कॉपी करने से, किसी को फॉलो करने से, किसी फार्मूले लिखने से नहीं आती। जब तक पैथोफिजियोलॉजी आपको नहीं आएगी, आप मेरी बात याद रख लेना, आप एक केस में कामयाब होंगे, दूसरे में नाकाम। तुक्का है ना कि मेरा पेशेंट भी वही था और आपका भी वही था, तो मैंने आपको दवाई बता दी तो शायद वो आपको भी पेशेंट को लग जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। खुद अपने नर्वस सिस्टम से पहले बेटा पढ़ें, देखें ना 4 साल आपको दिए गए हैं, पहले पढ़ें, पूरी थ्योरी को समझें, पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझें, फिर आपको मेडिसिन की समझ बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो ये तीनों शॉक्स की डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गई कि कहाँ कहाँ ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से? अच्छा, दूसरा मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, डिजाइन कर लिया है, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। वैसे आप यूट्यूब में डॉक्टर स्टार लेक्चर लिखेंगी तो वो आ जाते हैं, अभी उसमें मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड किए हैं। रोजाना मैं अपने पुराने लेक्चर्स भी जो 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 मेरे पास हैं वो मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें आपका भी तावन चाहिए। कुछ लेक्चर्स एडिट करने पड़ते हैं, अगर आप में से किसी को एडिटिंग आती है तो मुझे बता दें, मैं उसको भेज दिया करूँगा, एडिट करके आप अपलोड कर दिया करें प्लीज़। सब तो भला हो जाएगा, मेरे पास तो फिर ना मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ है ना मेरे पास इतना टाइम है। तो तमाम स्टूडेंट्स की चूँकि ख्वाहिश थी, फरमाइश थी, पहले हम वन ड्राइव पे रखते थे तो वन ड्राइव पे स्पेस कम होती है, फिर वहाँ से मुझे डिलीट करने पड़ते थे और बड़ा ये था। अब चूँकि वो यूट्यूब पे है तो वो पड़े रहेंगे, आप उसको बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ट्राई बेसिस पे मैंने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उसको जाके देख भी लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और ताकि आपको नई लेक्चर्स की वो भी आती रहें। जो जो लेक्चर मेरे पास हैं उन सबको भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसके बाद जो नए लेक्चर होंगे वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। और वो ऑडियो लेक्चर्स की एक एडिटिंग होती है, वो एक दो स्टूडेंट्स और भी मेरी हेल्प कर रही हैं सीनियर, आप में से भी जिसको वो सॉफ्टवेयर आता है थोड़ा सा मेरी हेल्प कर देना, कुछ लेक्चर एडिट करके आप उसमें अपलोड कर देना। ठीक है, बात समझ आई? ये तो आपके लिए ही, मैंने काफी स्टूडेंट्स का भी इसरार था, डॉक्टर्स का भी था, तो चलो आप